तो टॉपिक का नाम है दोस्तों क्रिया। टॉपिक का क्या नाम है? क्रिया। देखिए, जब भी आप हिंदी साइंस या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डेफिनेशन कभी नहीं पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। अब अपने को जो काम में आता है वो आता है एग्जांपल्स। जितने ज़्यादा आप एग्जांपल्स किसी भी टॉपिक के याद रख पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका चांस होता है दोस्तों सिलेक्शन का, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको साइंस से एक सवाल घुमाता हूँ। आपको साइंस में पूछा जाएगा कि अगर कोई स्विमर तैरता है तो वहाँ पे किस मोशन का यानी किस लॉ का यूज़ हो रहा है, तो वो हो रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे जब वो पानी को पीछे धक्का देता है तो पानी उसे आगे की ओर धक्का देता है। यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या बताता है, लेकिन एग्जाम्पल से सवाल आएगा। वही चीज़ दोस्तों अपनी क्रिया है। पहले क्रिया को समझते हैं कि ये है क्या, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर काम करेंगे। जो क्रिया है दोस्तों, सरल भाषा में ही आपने चीज को समझना है। क्रिया को कहते हैं काम। क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? काम कहते हैं, ठीक है। अब जो क्रिया काम होती है, यहां से आपको सवाल पता क्या पूछा जाएगा, यानी देखो एक काम ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं, है ना, और कर्ता परिफेक्ट हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो क्रियाएं होती है दो प्रकार की। एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। दो तरह की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखो ये अकर्मक और सकर्मक का क्या मतलब है? जब भी किसी शब्द के आगे अ लग जाता है तो उसका मतलब होता है मना, और जब भी किसी शब्द के आगे स लग जाता है तो मतलब सही। जैसे सहर्ष, सुगम, है ना, इस तरह से। तो अकर्मक क्रिया वो क्रिया है जहां पर कर्म की अपेक्षा नहीं है। जहां पे कर्म की अपेक्षा नहीं है वो कैसी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया? वो क्रिया जहां पे कर्म की अपेक्षा है। जहां पे किसकी अपेक्षा है दोस्तों? कर्म की अपेक्षा है। चीजों को समझते हैं। अब क्रिया तो हो गया काम करना। अब काम करने वाला काम तो करेगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सवाल लिखा, अब आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। मैंने सवाल लिखा कि मोहन पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल मोहन पढ़ता है, एक चीज हुआ ये। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि जो मोहन है किताब पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। अब सवाल क्या आएगा? सवाल आपको ये आएगा कि मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? आपको आ गया इस तरह से ऑप्शन, क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। आपको सवाल आया कि बताइए इन दोनों में सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो दोस्तों जो भी क्रिया सकर्मक क्रिया होगी उस सेंटेंस में दोस्तों सवाल बनेगा और आपको उत्तर मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन क्या पढ़ता है, आंसर क्या मिला? किताब पढ़ता है। और जो भी क्रिया सकर्मक क्रिया होगी, और जब भी आपको उस चीज का आंसर मिलेगा, वो चीज कभी ना कभी खराब होगी, वो चीज कभी ना कभी टूटेगी, वो चीज कभी ना कभी फटेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल आएगा कि मोहन क्या पढ़ता है, आप कहेंगे जी किताब पढ़ता है। वो किताब जब वो ज्यादा उस किताब को पढ़ेगा तो वो किताब एक ना एक दिन फटेगी। उस किताब के जो पेज होंगे उनमें सेल्यूलोज होता है, वो एक ना एक दिन कम होगा। यानी कभी भी कोई भी चीज में कुछ भी इफेक्ट पड़े तो वो सारी की सारी क्रियाएं कैसी होती हैं? सकर्मक। जैसे अकर्मक का मैंने एग्जाम्पल दिया, मोहन पढ़ता है। आप सवाल करेंगे मोहन क्या पढ़ता है, आपको आंसर नहीं मिला, मोहन पढ़ता है। जैसे एक और चीज देखते हैं, जैसे रोहन स्कूल या रोहन घर साइकिल से गया। रोहन घर साइकिल से गया। अब आपको क्या सवाल आएगा, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं? अब आप, मैंने कहा कि जब भी सकर्मक क्रिया होगी तो वहां पे किसकी अपेक्षा होगी दोस्तों? कर्म की। अब कर्म कौन कर रहा है? कर्म कर रही है साइकिल। जैसे रोहन घर किस में गया, उत्तर क्या मिला? साइकिल में गया ना दोस्तों, साइकिल में घर गया। जब वो साइकिल में घर जाएगा, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा वो साइकिल टूटेगी, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा वो साइकिल टूटेगी। कभी साइकिल के टायर पंचर होंगे, कभी आपको उसमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी, काफी चीजें होंगी ना। तो वो क्रियाएं कैसी होती हैं? वो क्रियाएं होती हैं दोस्तों अपनी सकर्मक क्रिया।
जब भी आप सवाल बनाएं और आपको उत्तर मिल जाए तो वो क्रिया कैसी बनी? सकर्मक क्रिया। अब मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगली हाथी भाग गया, मैंने कहा जंगली हाथी भाग गया। अब ये कौन सा सेंटेंस है जी? जंगली हाथी भाग गया। अब आप सवाल पूछेंगे जंगली हाथी भाग गया, अब आपको आंसर नहीं मिला, इधर पता ही नहीं लग रहा है कि जंगली हाथी कहां भाग गया। अगर मैं लिखा होता कि जंगली हाथी जंगल भाग गया, अगर मैंने कहा होता जंगली हाथी जंगल भाग गया, तो आप पूछेंगे कि जंगली हाथी कहां भाग गया, तो उत्तर मिल जाता जंगल, तो वो हो जाती सकर्मक। लेकिन यहां पे हमने जंगल की तो बात की ही नहीं, हमने किसकी बात की? जंगली हाथी भाग गया। अब आप सवाल पूछेंगे कि जंगली हाथी कहां भाग गया और उत्तर नहीं मिला। जंगली हाथी जंगली थोड़ी भाग गया, वो तो जंगल भागेगा, लेकिन यहां पर ऑप्शन तो है ही नहीं। अच्छा जैसे एक और देखते हैं, अगला सवाल है जैसे लालू ने चारा खाया। अब आप सवाल पूछेंगे लालू ने क्या खाया, आंसर क्या मिलेगा? चारा मिलेगा। तो बस जब भी आपको अपने पूछे गए सवालों का उत्तर मिल जाए और जो उत्तर होगा वो कभी ना कभी खत्म होगा, कभी ना कभी टूटेगा, कभी ना कभी फूटेगा, वो सारी की सारी क्रियाएं कैसी होती हैं दोस्तों? सकर्मक क्रिया। जैसे मैं एक और एग्जांपल कहता हूं, न्यूटन सेब खाता है, न्यूटन क्या खाता है? सेब खाता है। अब आपको पूछेगा कि न्यूटन क्या खाता है, अब आपको सवाल में पूछा जाएगा कि न्यूटन क्या खाता है, तो आप कहेंगे कि जी न्यूटन क्या खाता है दोस्तों? सेब खाता है। जब उस सेब को खाएगा, अब सेब देखो कर्म कर रहा है, मैंने बोला ऐसी क्रियाएं जहां पे कर्म की अपेक्षा होती है। अब सेब खाएगा तो सेब ने अपने क्या कर्म किया दोस्तों? उसने किसी न्यूटन का पेट तो भरा होगा, तो वो हुआ उसका कर्म। साइकिल उसको घर छोड़ के गई तो उसको जल्दी पहुंचाया समय से पहले, तो साइकिल का कर्म है। मोहन किताब पढ़ता है, किताब पढ़ के वो क्या बनेगा किसी दिन? एक आपकी तरह ही दोस्तों सिलेक्शन देगा और पुलिस में भर्ती होगा, ठीक है? तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें ही दोस्तों आपको ऐसी बहुत बेसिक और बहुत ही आराम से समझाई जाती हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये था अपना क्रिया का टॉपिक। और एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप अपने दिमाग में ये विचार डाल दें कि आपको सिलेक्शन देनी है तो वो आप देकर रहेंगे, ठीक है? अगर आपने एक भी बार अपने मन में ये विचार डाल दिया कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की सारी शक्तियां उस चीज को आपसे दूर करेंगी। तो मैं आपसे यही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये हमारा पुलिस बैच का, पुलिस सिलेक्शन बैच का आखिरी बैच है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप कर दें और जल्दी से जल्दी अपने को इस कोर्स में रजिस्टर करवाएं। इसी तरह से दोस्तों आपको हर एक चीज की लाइव क्लासेस रहेंगी, स्टडी मटेरियल रहेगा और पीडीएफ रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्रिया का टॉपिक, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको समझाया जाता है कि अकर्मक क्रिया क्या होती है जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, फिर सवाल समझ नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल और करते हैं, मैं कहूंगा आपको जैसे कि घोड़ा दौड़ता है। अब आपको यहां पे आंसर नहीं मिला कि घोड़ा कहां दौड़ता है, नहीं मिला ना आंसर। अगर मैं कहूंगा कि घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, अब आपको सवाल पूछा जाएगा कि घोड़ा कहां दौड़ता है, तो आपको आंसर मिला ना सड़क पर दौड़ता है। जब वो सड़क पर दौड़ेगा तो एक ना एक दिन उस सड़क का काम खराब होगा, है ना? सड़क टूटेगी फूटेगी, कुछ ना कुछ तो सड़क पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वैसी क्रियाएं जहां पर भी आपको उत्तर मिल जाए और उन चीजों को फर्क पड़े, वो क्रियाएं कैसी क्रियाएं होती हैं दोस्तों? सारी की सारी वो होती हैं सकर्मक क्रिया। तो आज का दोस्तों आपका क्रिया का लेक्चर यही था और यह अपना आखिरी बैच है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं कृपया वो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करें और अपने को इस कोर्स में रजिस्टर करें। हर सैटरडे दोस्तों आपका टेस्ट लिया जाता है, जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ रखा होता है, ठीक है? तो इसी तरह से अपना कोर्स ये शुरू हो चुका है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।